डेट है आज 29 मार्च 2021। आज हम कल और आज के करंट अफेयर देखेंगे, यानी कि 28 और 29 मार्च के। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लॉन्च ऑफ ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव। सेकंड है AEG-12 इनहिबिट्स फैमिली ऑफ वायरसेस। ये AEG क्या है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। स्वेज कैनाल न्यूज़ में है, इसकी लोकेशन और डिस्प्यूट क्या चल रहा है, क्या क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में देखेंगे। केप ऑफ गुड होप न्यूज़ में है, तिगरे रीजन न्यूज़ में है। पोस्टल बैलेट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम, दोबारा देखेंगे क्यों न्यूज़ में है। RT-PCR टेस्ट क्या है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क्यों न्यूज़ में है देखेंगे। व्हाट इज़ सेस, सेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर न्यूज़ में है, फिर देखेंगे। साउथ चाइना सी की लोकेशन देखेंगे और किस टेरिटरी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता रहता है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में, सारा डिटेल से आज पढ़ेंगे, पहले भी कर चुके हैं हम इसे। बिहार पुलिस बिल, ये एक बिहार एक बिल लेके आया है, बिहार पुलिस बिल, पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए, तो डिटेल से पढ़ेंगे क्या रिफॉर्म करने जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, ये स्कीम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा न्यूज़ में है, देखेंगे क्यों न्यूज़ में है। वाई सेंटर वॉन्ट्स क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स मैंडेटोरीली डिस्क्लोज इन ROC फाइलिंग। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, सेंटर क्यों चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को मैंडेटोरीली का मतलब है अनिवार्य रूप से डिस्क्लोज करे, बताए जो भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही है, तो ये डिसीजन देखेंगे। व्हाट वाज द टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, लॉन्च ऑफ ट्राइबल TB इनिशिएटिव। ये ट्राइबल TB इनिशिएटिव लॉन्च किया जी, ताकि जो TB की बीमारी होती है, डिसीज, उसको एलिमिनेट किया जा सके। TB मुक्त भारत एक अभियान चलाया हुआ है कैंपेन गवर्नमेंट ने, उसके तहत ही ये लॉन्च किया है ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि ट्राइबल एरियाज़ में TB के जितने भी केस हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया है। हमें मेन इसमें ये करना है कि जब वर्ल्ड TB डे था 2021 का, कब होता है जी, 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड TB डे। इस दिन लक्षद्वीप और डिस्ट्रिक्ट बदगाम, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है जी बदगाम, इन दो प्लेसेस को डिक्लेयर किया है TB फ्री, कि इनमें एक भी TB का केस नहीं रहा जी अब। तो ये चीज़ याद रखनी है कि लक्षद्वीप और बदगाम जो डिस्ट्रिक्ट है, किसकी, जम्मू कश्मीर की, इनको TB फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने क्या है, पिछले लास्ट 5 ईयर में TB के लिए, TB को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट का मतलब है जी रिमूव, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए TB को, TB जो डिसीज़ है, तो बजट में जो अलोकेशन करते हैं इंक्रीज़ किया है लास्ट 5 ईयर से। मतलब बजट में जितना भी पैसा देते हैं, मनी देते हैं TB को एलिमिनेट करने के लिए, इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 सालों में, 4-फोल्ड इंक्रीज़ हुआ जी। तो ये चीज़ बस याद रखनी है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी AEG-12 इनहिबिट्स फैमिली ऑफ वायरस। इनहिबिट्स का मतलब होता है जी टू स्टॉप, मतलब रोकना। ये रोकता है किसको, वायरसेस को, वायरसेस को फैलने से रोकता है AEG-12। AEG-12 क्या है, एक प्रोटीन है जी जो मच्छर में मिला है, मॉस्किटो प्रोटीन है जी, मॉस्किटो में मिला है मच्छर में, ये प्रोटीन किसने खोजा है, US का एक इंस्टीट्यूट है जी, उसके साइंटिस्टों ने खोजा है जी, ये साइंटिस्ट ने, उसके वैज्ञानिकों ने, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये US में एक इंस्टीट्यूट है जी, इसके साइंटिस्ट ने खोजा है, इसको डिस्कवर किया है, मच्छर में मिला जी ये प्रोटीन AEG-12। इतना याद रखना है AEG-12 क्या है, ये मॉस्किटो प्रोटीन है, मच्छर में पाया गया प्रोटीन है, जो कि काफ़ी सारी वायरस से जो बीमारी होती है, डिसीज होती है, उनको इनहिबिट्स करता है, रोकता है। कौन कौन सी जी बीमारी, जैसे येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, वेस्ट नाइल हो गया, जीका हो गया, और ऑल्सो वीकली इनहिबिट्स कोरोना वायरस, और कुछ कुछ हद तक ये कोरोना वायरस को भी रोकता है, लेकिन अभी डिटेल स्टडी करना बाकी है। अब इसमें रिसर्चर ने फाउंड किया है कि ये काम कैसे करता है AEG-2। देखो जी, कोई भी वायरस होता है ना, वायरस जैसे करोना वायरस ये जी, इसके ऊपर क्राउन्स लगा होता है ना, क्राउन सा, हमने पहले भी पढ़ा था, स्पाइक बोलते हैं जिसे, माचिस की तिल्ली की तरह इस पर ऐसे स्पाइक बने होते हैं, इसकी वजह से इसे, ये क्राउन से बने होते हैं, इसी क्राउन की वजह से कोरोना नाम पड़ा इसका। ऐसे बहुत सारे जैसे वायरस होते हैं ना, उन वायरस के ऊपर एक लिफाफा तरह का होता है कवर, एनवलप, एनवलप होता है जी, एनवलप मतलब कवर होता है इसके ऊपर, तो इस कवर को डीस्टेबलाइज कर देता है ये AEG-2 प्रोटीन है, AEG-12 प्रोटीन है जो मच्छर में पाया गया है, जो वायरस के ऊपर जो एक कवर है ना, इस कवर को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। अब जब ये कवर नहीं रहेगा ना, यही तो वायरस को प्रोटेक्ट करता है। अब मान लो अगर आपकी बॉडी से आपकी स्किन हटा दी जाए, तो क्या आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, बॉडी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना। तो ऐसे समझ लो, इस वायरस की जो बॉडी ऊपर स्किन है जी, ये स्किन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हटा दी, अब वायरस बिल्कुल क्या है जी, अंदर का मांस बच गया इसका, ये मान लो।
अब ये मांस बच गया तो बिल्कुल वायरस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, कहाँ जिंदा रहेगा। तो यही काम करता है जी ये प्रोटीन AG12। वायरस जो वायरल इनवलप है उसको डिस्टेबलाइज कर देता है और ब्रेक कर देता है इसके प्रोटेक्टिंग कवर को, जो इसको कवर प्रोटेक्ट करता है ना उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन प्रोटीन उसको वायरस को अफेक्ट नहीं कर सकता जिसके पास एनवलप नहीं है, दैट डू नॉट हैव एनवलप। मान लो बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जी बिना एनवलप के, तो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता अगर वायरस के ऊपर एनवलप नहीं है। मान लो ये खुद ही कैपेबल है, बिना एनवलप के कोई कवर नहीं है, इतना कैपेबल है, बिना एनवलप के घूम रहा है और किसी को भी डिसीज बीमारी फैला सकता है, तो उसको AG212 अफेक्ट नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फाइंडिंग में पाया गया है कि जो ये थ्योरोपे कुड लीड टू थ्योरोपेटिक्स अगेंस्ट वायरस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। देखो जी ये तो पता ही है आपको, वायरस की वजह से क्या है, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, तो इन डिसीज़ को क्योर करने के लिए ये यूज हो सकता है AG12 का। ये फ्लेवी वायरस हैं जो उनके अगेंस्ट मोस्ट इफेक्टिव है, मतलब जो फ्लेवी वायरस है उनको तो ब्रेक कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है, जिससे क्या है बीमारी होने से बच जाती है। जैसे जीका, वेस्ट नाइल और अदर वायरस जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, फ्लेवी वायरस कैटेगरी से। लेकिन अभी पॉसिबल देखा गया है कि ये SARS-CoV-2 है, मतलब कोरोना वायरस जैसी जो जिससे कोरोना होता है उसके उसके खिलाफ़ भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी स्टडी करना बाकी है। ऐसा कहा है कि ये इट विल टेक ईयर्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग टू मेक AG212 ए वायबल थेरेपी फॉर COVID-19। COVID-19 को ठीक करना तो इसमें कुछ रिसर्च करनी है जी, उसके लिए कई साल लग सकते हैं, इतना बस इस न्यूज़ में आया है। तो ये बस याद रखना है AG12 है क्या। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा स्वेज केनाल। स्वेज केनाल क्या है, ये केनाल का मतलब होता है जी नहर, नहर बोलते हैं हिंदी में। ये जी स्वेज केनाल, ये देखो आप, पहले भी मैप में हमने कई बार लोकेशन देखी है इसकी। ये है सऊदी अरबिया, ये एशिया जी, इधर एशिया, ये सऊदी अरबिया, ये रेड सी दिखाई दे रहा है आपको, रेड सी। और ये है जी स्वेज केनाल। यहाँ पे क्या था कि 1869 से पहले, 1869 डेट याद है आपको, जब गांधी जी का जन्म होता है जिस साल में, 1869 को, इससे पहले यहाँ पे कोई केनाल नहीं थी। जब अंग्रेज जब व्यापार किया करते थे इंडिया के साथ, ट्रेड किया करते थे, तो यहाँ पे कहीं है जी ब्रिटेन, इधर ब्रिटेन है यहाँ पे, ये यूरोप का मैप है ना, इटली, ग्रीस, यहाँ पे ब्रिटेन है। तो यहाँ से क्या करते थे, या तो ये लैंड रूट के जरिए आते थे इधर से, टर्की के जरिए इंडिया में, समझे। तो यहाँ पे जैसे ईरान है, यहाँ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, यहाँ अपना इंडिया होगा कहीं मैप में, समझ गए आप मैप ये। तो यहाँ पे या तो लैंड रूट से आता था ब्रिटेन व्यापार करने के लिए, या फिर वो अफ्रीका की जो नीचे जी केप ऑफ गुड होप है वहाँ से होके आता था इंडियन ओशन के जरिए, ऐसे जाता था, समझे। लेकिन इस रूट में बहुत ज़्यादा इसे टाइम लगता था और इसका फ्यूल बहुत वेस्ट होता था। और यहाँ से भी लैंड रूट क्या है, रोक दिया था टर्की ने भी, टर्की से विवाद हो गए थे इसके। तो उसके बाद क्या सोचा कि जो यहाँ पे ये रेड सी है और मेडिटरेनियन सी के बीच में ये लैंड लैंड है जो इजिप्ट के कब्जे में थे, इजिप्ट की टेरिटरी है ये, तो इन्होंने आर्टिफिशियल कैनाल बना दीजिए, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब है खुद इंसान जब बनाए जिसको नहर को, तो यहाँ पे खोद दीजिए JCB वगैरह से कैनाल बना दी। अब फिर इसी से ट्रेड होने लगा। अब ये कैनाल किस किस को जोड़ती है ये याद रखना है, स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, और ये जी आपका रेड सी, ये रेड सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, ये कनेक्ट करती है। इधर आपका जी ये गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे, और ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का ही पार्ट है, यहाँ पे यमन, कई बार हम ये लोकेशन देख चुके हैं। तो ये बस ये लोकेशन याद रखनी है आपको, न्यूज़ में इसलिए है। अभी क्या हुआ था कि एक लार्ज कार्गो शिप थी, कार्गो का मतलब है जी सामान और शिप का मतलब है पानी का जहाज, तो सामान ले जा रहा था कार्गो शिप, लार्ज बहुत बड़ा था, वो यहाँ पे फंस गया, जिसका नाम था शिप का नाम था क्या, एवर गिवन, एवर गिवन, वो गॉट स्टक, यहाँ पे फंस गया था सदर्न टिप पे स्वेज कैनाल में। तो इसकी वजह से जी बैड वेदर की वजह से फंसा था यहाँ पे, ये स्टक हो गया था। तो यहाँ पे बहुत जाम लग गया जी, क्योंकि ट्रेड सिर्फ एक वेसल तो कर नहीं रही है यहाँ पे, और भी बहुत सारी वेसल जा रही होती हैं, वेसल शिप ही मान लो जी आप, शिप जहाज, तो बहुत सारी वेसल जा रही होती हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया का ट्रेड भी रुक गया जब ये यहाँ पे जाम लग गया, तो इस वजह से न्यूज़ में है जी। अब ये स्वेज कैनाल आर्टिफिशियल सी कैनाल है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये कहाँ पे, ये इस्तूमज है जी, इस्तूमज ऑफ स्वेज इन इजिप्ट, इजिप्ट में ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को।
ये कैनालें सेपरेट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया। हमने देखा एक तरफ अफ्रीका एक तरफ एशिया कॉन्टिनेंट, उसको सेपरेट करती है ये। शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट प्रोवाइड करती है यूरोप को, क्योंकि यूरोप मेडिटरेन सी के जरिए रेड सी से होते हुए ये एशिया में एंटर कर सकता है जी, इंडियन ओशन में, इंडियन इंडियन ओशन में या वेस्ट पैसिफिक ओशन में ट्रेड के लिए बहुत असेंशियल है ये। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैविली यूज्ड शिपिंग लेंस, कैरिंग ओवर 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम। वर्ल्ड के जितने भी ट्रेड होती है ना, जो 12% इस रास्ते के जरिए होती है, इस रूट के जरिए, स्वेज कैनाल के जरिए। अब ये स्वेज कैनाल तो फंस गई जी, अब इंडिया का ट्रेड कहाँ से जाएगा? अफ्रीका से होते हुए साउथ अफ्रीका से, केप ऑफ गुड होप से। तो इसलिए ये भी न्यूज़ में थी, केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे लगभग इंडिया की जो ट्रेड है जी, $200 बिलियन यूरोप के साथ होता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ लगभग इतना ट्रेड होता है, $200 बिलियन का। तो ये स्वेज कैनाल की वजह से ब्लॉक हो गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है जी, उसने डिसीजन लिया तो हम केप ऑफ गुड होप के जरिए जाएंगे अब हमारी रूट। केप ऑफ गुड होप कहाँ जी? ये देखो, ये जी अफ्रीका का मैप, ये साउथ अफ्रीका है यहाँ पे। तो ये है जी केप ऑफ गुड होप, ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाला, ये केप टाउन है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है आपको केप टाउन। और जो ये दिखाई दे रहा है ना जी आपको, ये देखो, ये छोटा सा ये दिखाई दे रहा है, ये है केप हैंकलिप। और ये है जी ये केप अगुलस। देखो बहुत समय तक क्या मानते रहे यहाँ पे ज्योग्राफर, कि जो ये केप ऑफ गुड होप है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पार्ट है। सदर्न मोस्ट मतलब सबसे साउथ में, क्योंकि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वी ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ये पूर्व, ईस्ट, नॉर्थ, उत्तर, वेस्ट, पश्चिम, साउथ, दक्षिण। तो सदर्न मोस्ट जो सबसे साउथ में जो पार्ट पड़ता है अफ्रीका का, पहले मानते थे केप ऑफ गुड होप है, लेकिन ये बाद में पुष्टि हुई, कन्फर्म हुआ कि केप अगुलस ये सबसे सदर्न में पड़ता है। क्योंकि देखो ये सदर्न में है ना, ये देखो यहाँ पे अगर ऐसे लाइन खींचेंगे हम तो, और ये यहाँ पे, तो साउथ में कौन सा पड़ रहा है? केप ऑफ अगुलस। तो ये भी साइंटिस्ट मानते थे पहले, मतलब ज्योग्राफर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा, और इन सारी लोकेशन याद रखनी है, केप पॉइंट, केप हंगलिप और केप ऑफ गुड होप, केप अगुलस, ये सारी लोकेशन याद रखनी है आपको। और ऐसे भी याद रखनी है कि वेस्ट टू ईस्ट भी ये क्या है, अरेंज करने के लिए आ सकता है, कि ईस्ट में कौन सा है, केप अगुलस, फिर केप अंगुलिप या हंगलिप, केप पॉइंट और केप ऑफ गुड होप। तो ये लोकेशन याद रखनी है आपको, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम कहाँ पे पड़ता है, ये वही सब कुछ लिखा है जी इसमें, केप ऑफ अगुलस। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, सारा वही लिखा है। केप ऑफ अगुलस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये क्या है, रॉकी हेडलैंड है जो वेस्टर्न केप है साउथ अफ्रीका की, मतलब इट इज़ ए जोग्राफिकल सदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बिगनिंग ऑफ द डिवाइडिंग बिटवीन एटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। क्योंकि इसके वेस्टर्न साइड में क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशियन, और ईस्टर्न साइड में क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन। ये अभी देखा था ना हमने, ये देखो यहाँ पे, ये है अटलांटिक ओशियन और ये है इंडियन ओशियन। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी अपना तिगरे रीजन, ये भी लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस लोकेशन देखो इसकी। ये न्यूज़ में क्यों था अभी देखेंगे, ये जी अफ्रीका का मैप ही है, ये अफ्रीका में एक कंट्री है इथोपिया, और ये इथोपिया के नॉर्दर्न साइड में तिगरे रीजन है, ये इथोपिया का ही पार्ट है। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, और यहाँ पे कहीं इरिटीरिया है, और ये लोकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं जी, यहाँ पे सोमाली है जी, सोमाली। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इरिटीरिया ने क्या किया है अभी, यहाँ पे इसके नॉर्दर्न साइड में, ये जी इरिटीरिया कंट्री, इसने अपनी ट्रूप्स को पुल आउट कर लिया है। ट्रूप्स का मतलब है जी, यहाँ पे सैनिक भेजे हुए थे इरिट्रिया ने इथोपिया के नदन रीजन में, तिगरे रीजन में, ताकि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं उनको रोका जा सके और पीस एस्टेब्लिश हो सके। तो इसलिए न्यूज़ में है ये, यहाँ पे जो सिविलियंस के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होते हैं जी, अत्याचार, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रोका जा सके। तिगरे रीजन नदन मोस्ट साइड में इथोपिया की में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये होमलैंड है जी, यहाँ पे कई प्रजाति मिलती हैं, मतलब लोग मिलते हैं, तिग्रानियन पीपल मिलते हैं, इरोब, कुनामा। तो ये तीनों प्रजाति आपको याद रखनी है, कि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कहीं पे भी, कि इरोब पीपल कहाँ पे रहते हैं, तिग्रे रीजन में, तिगारियन भी और कुनामा।
ये रीजन वन के नाम से भी जानते हैं इसे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मतलब इथोपिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रीजन वन के नाम से। इसकी जो कैपिटल है तिग्रे रीजन की, वो लार्जेस्ट सिटी भी है, मैकेले नाम है इसकी कैपिटल का। ये तिग्रे रीजन की बात हो रही है, तिग्रे एक स्टेट प्रोविंस मान लो इथोपिया में, उसकी जो कैपिटल है। जैसे हर एक स्टेट की हमारी कंट्री में भी क्या है जी, अलग जैसे रहता है ना, अलग कैपिटल होती है स्टेट की और कंट्री की अलग, इसी तरह से ये बॉर्डर लगता है जी। इरिट्रिया इसके नॉर्थ में हमने देखा, सूडान इसके वेस्ट में, अम्हारा रीजन इसके साउथ में, और अफरार रीजन भी इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। तो ये अम्हारा रीजन और अफरार, ये भी लोकेशन आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तिग्रे में जी वार चल रहा था नवंबर 2020 से, ये तिग्रे रीजन में हुआ जी, इथोपिया के में स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस किस के बीच में। यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये तिग्रे रीजन को कंट्रोल करता है जी, यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट है तिग्रे की, उसको कंट्रोल करता है ये ग्रुप, तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। और एक दूसरा ग्रुप है जी इथोपिया का, इथोपियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज, मतलब ये फोर्सेज है इथोपियन की। ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया जी, विवाद हो गया, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सितंबर में तिग्रे रीजन ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन होंगे जी लोकल बॉडीज़ में, लेकिन इथोपियन फेडरल गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है नवंबर 2020 से। तो ये इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर कर दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है जी इथोपियन की गवर्नमेंट ने, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जी डिस्प्यूट या विवाद, बस इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना पोस्टल बैलेट्स, व्हाट आर पोस्टल बैलेट्स, अभी न्यूज में इसलिए है जी, पोस्टल वोटिंग है जो इलेक्टर के लिए 80 ईयर्स की एज जिनकी है उनसे अबव एज के लिए, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसे प्रपोज रखा था कि जो 80 ईयर्स से अबव पीपल हैं उनको भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए। मतलब अगर जो कोई 80 साल से ऊपर का पर्सन है वो अपने घर पे बैठे हुए पोस्टल बैलेट के जरिए भेज सकता है, मतलब कागज़ जो होगा जी, जिस बैलेट पेपर होगा जिस पे वोट लगते हैं, स्टंप लगा के भेज सकता है, ये वोटिंग कब तक दे सकता है, काउंटिंग होने से पहले तक भेज सकता है ये अपनी वोटिंग को। तो ये सारा वो है जी, इसलिए न्यूज़ में है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सर्टेन सेक्शन ऑफ पब्लिक इन द स्टेट आर अलाउड टू कास्ट पोस्टल, ये पोस्टल बैलेट्स, ये जी पहली बार होगा कि किसी पब्लिक को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। अब तक क्या है, सर्विस वोटर को ही दिया जाता था, ओनली सर्विस वोटर एंड दोज ड्राफ्टेड फॉर इलेक्शन वर्क, या तो सर्विस वोटर को दिया जाता था ये अधिकार पोस्टल बैलेट के जरिए, या फिर जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, जैसे बहुत से टीचर वगैरह हो गए जी, या कोई और अधिकारी हो गए गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, तो मान लो उनका रीजन तो है जी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं और पे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, मान लो किसी स्टेट का एमपी का एग्जांपल लो लीजिए, एमपी की कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो ये भोपाल से हैं जी, भोपाल से, और इनकी ड्यूटी लगा दीजिए ग्वालियर में, ग्वालियर में मान लो ये गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है कोई, ए पीपल है ये, भोपाल के रहने वाले हैं, इनका जो रेजिडेंस है जी भोपाल में, तो ये भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो इनकी भोपाल एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे ये वोट कर सकते हैं जब इलेक्शन होगा, लेकिन इनकी सर्विस ड्यूटी कहाँ पे लगी है, ग्वालियर में। तो ये क्या है, ये सर्विस वोट, ये क्या है जी, सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी पे जब क्या है पोस्टल बैलेट के जरिए ये भेज सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर में भी वोट नहीं कर सकते, वोट कहाँ करेंगे, भोपाल में, क्योंकि भोपाल में इनका रेजिडेंस है। तो ये अब इलेक्शन ड्यूटी पे तो पोस्टल बैलेट के जरिए अधिकार है, भेज सकते हैं। तो ये जो राइट है जी ये दिया जा रहा है जिनकी 80 ईयर से अब एज है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटिंग होती है जी, पोस्टल वोटिंग यही होती है कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड वोटर्स को दिए वोटिंग राइट दिया जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है जी पोस्टल जो बैलेट पेपर है उसके जरिए पोस्ट कर सकते हैं, और इलेक्शन ऑफिसर जो होता है जी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको काउंटिंग से पहले, जब तक वोटिंग की काउंटिंग शुरू ना हो जाए उससे पहले भेज सकते हैं जी अपनी वोटिंग। और कौन कौन को फैसिलिटी मिली हुई जी, ये देखो जो आर्म फोर्स है इंडिया की, उसको, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो भी पर्सनल है जी, कर्मचारी हैं इनमें, आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करते हैं उनको, या फिर आर्म पुलिस फोर्स के मेंबर हैं, जो पैरा मिलिट्री फोर्स होती है ना, जैसे CISF हो गया जी, CRPF हो गया, उन सभी को, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, या ऐसे गवर्नमेंट के कर्मचारी जो इंडिया से बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे IFS हो गए जी, या IFS के एम्बेसडर हैं जो
उनके ऑफिस में कोई वर्क कर रहा है जी इंडिया का पीपल, तो उनको या फिर उनके स्पाउस को, स्पाउस का मतलब होता है जी उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जैसे हस्बैंड ड्यूटी कर रहा तो स्पाउस हो जाएगा वाइफ, अगर वाइफ ड्यूटी कर रहा तो स्पाउस हो जाएगा हस्बैंड, तो इनको भी वोट देने का अधिकार है जी पोस्टल के जरिए, जरिए मतलब पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन एक्सेप्शन टू दी अबव कैटेगरी, कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं जी इन आर्म फोर्सेज में, वो एक्सेप्शन दिए हुए हैं सेक्शन 60 में आरपीए एक्ट 1951 में। आरपीए का मतलब जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कुछ एक्सेप्शन का मतलब है जी कुछ अलग से अपवाद छूट दी हुई है कि कुछ वोटर अलाउ भी नहीं है इसके जरिए पोस्टल वॉलेट के जरिए वोट करना। अब जो आरपीए जी इसमें और क्या क्या प्रोविजन है थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये क्या करता है, इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाए, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इसमें प्रोविजन है जी आरपीए एक्ट में। तो ये डील्स और किस किस से करता है, ये डिटेल्स है जी लाइक क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो जी जो स्टेट लेजिस्लेचर है विधान सभा और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन इस आरपी एक्ट में लिखी हुई है। दूसरा इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होगी, सारी डिटेल इस एक्ट में लिखी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रजिस्टर कराना है, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। इलेक्शन को कंडक्ट कैसे कराना है इसमें लिखा हुआ है। इलेक्शन डिस्प्यूट के रिकॉर्डिंग, इलेक्शन जो विवाद होते हैं जी आरपी एक्ट में लिखा हुआ है, आरपी एक्ट 1951 में। नेक्स्ट है जी करप्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ये इसमें ये क्या होते हैं जी, जैसे मान लो इलेक्शन चल रहा है जी, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले क्या है कैंपेन करते हैं ना, अभियान रैली चलती हैं, लीडर करते हैं जो पॉलिटिकल लीडर, तो वो क्या है धर्म या कास्ट मतलब रिलीजन या कास्ट पे बेस्ड पे, धर्म या जाति के बेस्ड पे वोट वगैरह नहीं मांग सकते। तो अगर वो मांगते हैं तो वो इनमें आता है जी करप्ट प्रैक्टिसेस या फिर इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ऐसे बहुत सारे उसमें मेंशन है, 7 से 8 ऑफेंसेस और प्रैक्टिसेस जिनके जरिए क्या है उन्हें पनिश किया जा सकता है अगर वो ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसे अपराध करेंगे। और बाई इलेक्शन भी इसमें मेंशन है जी आरपी एक्ट 1951 में। बाई इलेक्शन का मतलब है जी जैसे मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली रह जाती है तो बाद में उसके लिए इलेक्शन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं बाई इलेक्शन। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। आरटीपीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटीपीसीआर है जी जो कोरोना को चेक करने के लिए टेस्ट होता है ना कि किसी को कोरोना है या नहीं है, उसके लिए अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कर दिया जी, जो बेंगलोर में आएगा ना जी, बेंगलोर में पैसेंजर कोई भी अराइव होगा तो उसे आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही पड़ेगी, मस्ट प्रोसेस ए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब है जी उसे कोरोना नहीं होना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट से ही उसने टेस्ट कराया हो कि उसके कोरोना नहीं है और वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तभी उसे बेंगलोर में घुसने दिया जाएगा। ये आरटीपीसीआर कैसे यूज होता है जी कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट का मतलब जाँच करने के लिए कि कोरोना है या नहीं है। देखो जो COVID-19 है वो किससे होता है जी, सारस COV-2 वायरस से, ये वायरस है जी, और COVID-19 बीमारी का नाम है, डिसीज़ का नाम, और 19 इसमें इसलिए लगा जी क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसे 2019 में देखा गया था जी, डिटेक्ट किया गया था, इसलिए COVID-19 लिखा हुआ है। और कोविड का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस डिसीज़, को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिसीज़, और वायरस जिस वायरस से होती है उसका नाम है जी SARS-CoV-2 वायरस। ये आरएनए वायरस है जी, वायरस दो तरह के होते हैं जी, एक आरएनए और एक डीएनए बेस्ड। तो ये आरएनए वायरस है जो हेल्दी सेल को इनफिल्ट्रेट करता है, मतलब बॉडी की जो हेल्दी स्वस्थ सेल है उसको इनफिल्ट्रेट करता है और डिसीज़ फैलाता है जी। ये आरटीपीसीआर टेस्ट होता है जी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, SARS-CoV-2 आरएनए वायरस को। ये आरएनए वायरस को क्या करता है, जब आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो आरएनए वायरस को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं जी, डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और एक प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वायरस को डिटेक्ट करते हैं इस प्रोसेस के जरिए। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है जान गए, जैसे वायरस का सैंपल लिया जी, COVID-19 वायरस का ये सैंपल लिया, सैंपल किसी से लिया, नसल से लिया जी, आपकी नाक से सैंपल लिया, तो क्या करते हैं उसमें आरएनए होता है जी, तो आरएनए को डीएनए में चेंज कर देते हैं प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे कैसे किया जाता है जी ये देखो, जनरली क्या होता है जो रेस्पायरेटरी स्पेसिमेन होता है उसको ये डिटेक्टेबल होते हैं जी इस वायरस के, SARS-CoV-2 आरएनए वायरस के, तो ये रेस्पायरेटरी स्पेसिमेन है इनका ही जी सैंपल लिया जाता है, ये अपर या लोअर रेस्पायरेटरी स्पेसिमेन लिए जाते हैं नसल से, जैसे आपकी नाक से सैंपल लिया जाएगा।
नाक से सैंपल लिया जाएगा, और ये क्या है फिर केमिकल सॉल्यूशन अप्लाई किए जाएंगे जिस सैंपल में, जिससे क्या है इसमें और भी, जैसे सैंपल लिया आपकी नाक से उसमें बहुत सारे और भी सब्सटेंस है ना उनको रिमूव किया जाता है, जैसे प्रोटीन फैट्स, और इनको हटा के सिर्फ आरएनए को ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इस सैंपल से। जैसे ये सैंपल कलेक्ट किया जी आपकी नाक से, ये जी आपकी नाक, ठीक है, आपकी नाक से सैंपल लिया, इसमें प्रोटीन भी होंगे इस सैंपल में, समझे, सैंपल का मतलब जैसे आपकी लार होती है नार, ऐसी नाक से पानी निकलता है ना ड्रॉपलेट, उसको ले लिया जी, इसमें क्या है फैट भी है प्रोटीन भी है, इसको हटा देंगे अब बच जाएगा सिर्फ आरएनए, आरएनए बच जाएगा जी इसमें। अब इस आरएनए को से डिटेक्ट करेंगे जी वायरस को, अब आरएनए में और क्या करेंगे जी, आरएनए में क्या करेंगे, ये 35 साइकिल होती हैं जी, मतलब इसमें डिटेक्ट करने के लिए प्रोसेस होते हैं, मतलब 35 प्रोसेस, और इसमें 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ क्रिएट कर दी जाती हैं वायरल डीएनए की, क्योंकि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। अब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद इसकी 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं। अब ये न्यू कॉपीज जो होती हैं जी वायरल डीएनए की, इसमें क्या होता है मार्कर लेवल अटैच होता है डीएनए में, जिससे क्या है एक फ्लोरोसेंट डाई रिलीज होती है जब ये आरएनए को 35 प्रोसेस से गुजारा जी, 35 प्रोसेस से, और इसके बाद ये डीएनए में कन्वर्ट हुआ जी, और डीएनए में क्या जी एक मार्कर लेवल अप्लाई किया जाता है जिससे फ्लोरेसेंट डाई निकलती है, इस डीएनए से डाई निकलती है, और ये मशीन जो होता है जी कंप्यूटर लगा होता है वो स्क्रीन पे जब चलता रहता है, और जब ये फ्लोरेसेंट जो डाई होती है ये फ्लोरेसेंट डाई की एक लिमिट है, अगर ये सर्टेन लिमिट से ज़्यादा रिलीज होगी इस डीएनए से, जैसे जी इससे रिलीज होने का मतलब निकल रही है डाई निकल रही है, इससे कुछ निकल रहा है ऐसे मान लो एक एलिमेंट सब्सटेंस निकल रहा है इससे डीएनए से, अब इसकी लिमिट है, अगर मान लो उस लिमिट से ज़्यादा निकलेगा ये फ्लोरोसेंट डाई तो समझ लिया जाएगा हाँ इसको वायरस है जी, कोरोना वायरस है इसमें प्रेजेंट है, अगर सर्टेन लेवल से फ्लोरोसेंस जो डाई है रिलीज होगी तो समझेंगे वायरस प्रेजेंट है और कन्फर्म हो जाएगा जी हाँ इसको कोरोना वायरस है। तो ये सारा होता है प्रोसेस आरटीपीसीआर टेस्ट में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा सेस, व्हाट इज ए सेस, क्या है सेस है जी, देखो मान लो आपकी इनकम होती है, जैसे मान लो 6 लाख इनकम है जी आपकी, और गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं 5 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपकी इनकम कितनी है 6 लाख पर ईयर की बात हो रही है जी, पर मंथ नहीं पर ईयर, मान लो 6 लाख है आपकी इनकम, तो अब 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, अब टैक्स आपकी लगेगा 1 लाख इनकम पे, क्योंकि 5 लाख से 1 लाख ज़्यादा है तो सिर्फ 1 लाख इनकम पे ही आपकी टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी, मान लो 10% टैक्स लिमिट लगा दीजिए, अब 10% टैक्स लेगी जी, 1 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख का 10,000 हो गया 10%, ये 10,000 आपको पर ईयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है जी पर्टिकुलर समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए सेस लगा देती है, सेस, ये सेस क्या होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स कितना दे रहे हो आप 10,000, तो इसी पे टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट, कितना 1% 2% कितना भी, मान लो 10% टैक्स लगा दिया जी सेस आपके टैक्स पे, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000, समझे, तो ये 1,000 जो टैक्स देना पड़ेगा आपको सेस, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, ये सेस मान लो किसी के लिए लगा दिया, मान लो एजुकेशन सेस लगा दिया, अब सेस लगा दिया जी एजुकेशन, तो ये जितना सेस आएगा मतलब ये टैक्स ऑन टैक्स गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इसे एजुकेशन सेस लगाया तो एजुकेशन पे ही खर्च करेगी, चाहे एजुकेशन स्कूल बिल्डिंग बनाए कॉलेज बनाए या टीचर्स वगैरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए पैसा खर्च करे, तो ये सारी मनी जो आएगा ना सेस से, एजुकेशन सेस से, एजुकेशन पे ही होगी, तो जिस पर्पज़ के लिए आता है उसी पे खर्च होता है, और ये स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, जैसे जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट सेस के अलावा और सरचार्ज के अलावा, सरचार्ज भी जी टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो सेस के अलावा सरचार्ज के अलावा जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है तो उसे स्टेट में शेयर करती है 41%, 41% देती है, मान लो 100 रुपीज़ आए टैक्स से एक साल में, तो एक साल में 41% सारे स्टेट में बांट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन देता है सिफारिश रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन। तो अब ये सेस देखते हैं जी, ये सेस क्या है, सेस इज लेविड ऑन द टैक्स पेबल, लेविड का मतलब है जी इम्पोज करते हैं किस पे, टैक्स पेबल, जो टैक्स पेबल का मतलब है जितना टैक्स दे रहे हैं, जो 10,000 टैक्स दे रहे हैं उस पे, एंड नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम पे नहीं लगता, हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी 1 लाख, क्योंकि 5 लाख तो टैक्स फ्री था,
6 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम 1 लाख थी, तो ये 1 लाख पे नहीं लगता है, 1 लाख पे तो सिर्फ इनकम टैक्स लगता है, समझे। तो ये किस पे लगता है, टैक्स पेबल, जो टैक्स हम दे रहे हैं 1 लाख पे टैक्स कितना दे रहे थे, 10,000, 10,000 पे लगेगा टैक्सेबल पेबल जो होगा उस पे। इन ए सेंस फॉर द टैक्स पेयर इट इज इक्वलेंट टू ए सरचार्ज ऑन टैक्स, जैसे सरचार्ज लगाया जाता है ना टैक्स पे, ऐसे होता है। लेकिन सरचार्ज तो क्या है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये भी होता है, लेकिन किसी पे भी ये यूज हो सकता है ये फंड। लेकिन एजुकेशन, जैसे सेस लगाया, एजुकेशन सेस, तो ये एजुकेशन पे ही खर्च होगा। सेस और सरचार्ज में यही फ़र्क है, सेस जिस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है उसी पे खर्च करती है, और सरचार्ज किसी पे भी खर्च कर सकती है। लेकिन सेस और सरचार्ज से जितना भी पैसा आया होता है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करती, बस इतना याद रखना है। और सेस बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स तो हो गया जी जैसे आप इनकम टैक्स देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे मान लो आपने वॉच खरीदी है जी, घड़ी, और उस पर आप टैक्स देते हो, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, उस पर भी लगा सकती है गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू जितना भी इससे ऑब्टेन फ्रॉम इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कैन बी अलोकेटेड फॉर वेरियस पर्पजेज, लेकिन सेस जो होता है वो केवल उसी के लिए लगाया जाता है जो स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। जितना भी टैक्स या सेस होता है जी, ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसे जमा कर देती है गवर्नमेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है जी, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप करंट विद जीएस पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी पॉलिटी की, पॉलिटी पे जाकर देख सकते हो। उसमें कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और आपका है जी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सारा डिटेल में पड़ा हुआ है। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी है जी न्यूज़ में अभी, पहले लोकेशन देखो आप इसकी, ये देखो जी, ये मैप देखो आप, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। अब देखो आप, ये जी चाइना, और ये है यहाँ पे वियतनाम, और ये है जी साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में, और ये है ताइवान, और ये है फिलीपींस। यहाँ पे लोकेशन नहीं जी, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड रेड लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, रेड लाइन, ये रेड लाइन ये है जी, इसे बोलते हैं 9 डैश लाइन, क्या बोलते हैं, 9 डैश लाइन। अब चाइना क्लेम करता है जी जितनी ये लाइन है ना, ये सारी टेरिटरी, जितना भी एरिया है टेरिटरी है, ये चाइना का है, चाइना क्लेम करता है जी इस पर। और बाकी की जो ये और कंट्री है, वियतनाम क्लेम करता है, ये वियतनाम क्लेम करता है। जो ये पारासेल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड है जी, आइलैंड जानते हो आप, कोई भी ऐसी लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरी हो, सराउंडेड बाई वाटर, तो ये आइलैंड को वियतनाम क्लेम करता है जी खुद। और इधर यहाँ पे फिलीपींस भी क्लेम करता है जी, और यहाँ पे बहुत सारी रीफ और शोल हैं, जैसे ये हग रीफ हो गई जी, ये हो गया जी सुबी रीफ, गावेन रीफ, ये यहाँ पे और भी रीफ हो गए जी, जॉनसन साउथ। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है जी। एक मलेशिया और ब्रुनेई, ये भी क्लेम करते हैं अपने की हमारे एरिया के अंदर आता है, लेकिन चाइना क्या क्लेम करता है, सारा एरिया ही चाइना क्लेम करता है। ये 9 डैश लाइन है, और इसके भीतर भीतर जितना भी एरिया है चाइना का है ये, समझे। और जापान भी क्लेम करता है जी यहाँ पे, ये स्पार्टली आइलैंड, इस पे यहाँ पे जापान भी है कंट्री इधर मैप में, तो वो भी क्लेम करता है। तो ये डिस्प्यूट चलता रहता है, तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं जी सारा कौन सा अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फिलीपींस ने अपनी मिलिट्री भेजी है जी, डिप्लॉय कर दिया और ज़्यादा मिलिट्री साउथ चाइना सी में, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ बोट की वजह से कर दीजिए, चाइनीज़ बोट यहाँ पे आ रही थी डिस्प्यूटेड एरिया में, यहाँ पे एक रीड बैंक है, रीड बैंक वहाँ पे, इसलिए फिलीपींस ने अपनी जो मिलिट्री है वो डिप्लॉय कर दी, मतलब तैनात कर दी और ज़्यादा इंक्रीज कर दी। साउथ चाइना डिस्प्यूट है क्या, ये डिस्प्यूट टेरिटरी का है जी, एरिया का है, यहाँ पे ओशंस एरियाज़ पे और जितने भी पारासेल वगैरह स्पेटली आइलैंड हैं इन पे क्लेम करती रहती हैं एक दूसरी कंट्री, नंबर ऑफ कंट्रीज़ करती हैं, हमने देखा कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे रॉकी आउटक्रॉप मिलते हैं जी, अटॉल मिलती हैं, सैड बैंक्स रीफ हमने देखा, और यहाँ पे स्कारबोरा शॉल मिलता है जी, ये एक एरिया है जी स्कारबोरा यहाँ पे आइलैंड, तो ये भी याद रखना स्कारबोरा शॉल कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। बीजिंग क्लेम करता है जी, बीजिंग का मतलब चाइना की कैपिटल है, तो चाइना क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन है जी उसके अंदर की जितनी भी टेरिटरी है इस चाइना की है, लेकिन ताइवान अलग से क्लेम करता है वहाँ पे, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई क्लेम करते हैं। चाइना के खिलाफ एक जजमेंट आया था जी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था, उस चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, उसके बाद से क्लेम और बढ़ गया जी इस पर। कौन कौन क्या क्लेम करता है जी, हु क्लेम व्हाट, चाइना क्लेम करता है, हमने जान लिया ऑलरेडी कि 9 डैश लाइन के जितने अंदर
टेरिटरी का पोर्शन आता है जी, वो सारा चाइना का है। और वियतनाम क्या क्लेम करता है? वियतनाम कहता है कि भाई साहब 1940 से पहले, जो 1940s है, 1940 के दशक से पहले ये आइलैंड सॉवरेंटी चाइना कभी क्लेम नहीं करता था, और चाइना का इस पे कोई अधिकार नहीं था, सॉवरेंटी पे कोई सॉवरेंटी नहीं थी, कोई क्लेम नहीं था, और वियतनाम इस पे अधिकार करता था सारे रीजन पे। तो जो भी ये स्पार्टली आइलैंड है जी, स्पार्टली आइलैंड और पार्सेल 17वीं सेंचुरी से लेकर 1940s तक वियतनाम के कब्जे में थी, उसके बाद से चाइना में ले ली उसके चाइना। ये वियतनाम डॉक्यूमेंट भी दिखाता है कि आपका रीजन कैसे हो गया, ये हमारा है, वियतनाम ये बोलता है। नेक्स्ट है जी फिलीपींस। फिलीपींस क्या बोलता है? फिलीपींस और चाइना के बीच में दोनों ये स्कारबोरफ शोल है, इसे हुंगानियन आइलैंड भी बोलते हैं जी चाइना में। चाइना में तो ये लोकेशन याद रखनी है आप, हुआंगयान आइलैंड या स्कारबोरफ शोल। तो ये चाइना में हुआंगवान आइलैंड बोलते हैं, स्कारबोरफ शोल बोलता है जी फिलीपींस इसे। तो ये कहता है कि भाई साहब मोर देन 100 माइल्स यानी कि 160 किलोमीटर तक फिलीपींस से लेके ये फिलीपींस के एरिया में आता है जी, फिलीपींस के इस पे सॉवरेंटी है। चाइना कहता है कि चाइना से लेके 500 माइल्स तक चाइना का रीजन है इस साउथ चाइना सी में। तो दोनों के बीच में ये विवाद चलता रहता है। मलेशिया और ब्रुनेई अपना क्लेम करती हैं, ये कहती हैं कि भाई साहब ये हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में पड़ता है। अब ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या है जी? EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ये ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा है। देखो कोई भी टेरिटरी है जी, मान लो ये बॉर्डर है, बॉर्डर से कोस्ट लाइन से लेके सी में, किसी ओशियन में, समुद्र में, सी में, सागर में 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझे? नॉटिकल माइल्स में होता है जी, 1 नॉटिकल माइल्स में 1.85 लगभग किलोमीटर होते हैं जी, किलोमीटर। अब मान लो 200 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर हो गए? लगभग 370 किलोमीटर हो गए जी। तो इतने इसकी लाइन से, मलेशिया के बॉर्डर लाइन से लेके, कोस्ट लाइन से लेके सी में, ओशियन में, साउथ चाइना सी में 200 नॉटिकल माइल तक या 370 किलोमीटर तक मलेशिया का रीजन है, ये मलेशिया और ब्रुनेई बोलते हैं जी। और ये EEZ किसके अंदर डिफाइंड किया है? अनक्लोज के अंदर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये जी कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशन की सी के लॉ के रिगार्डिंग, के सी में किसका सॉवरेंटी, किसका अधिकार कितना होगा। तो ये मलेशिया और ब्रुनेई ये बोलते हैं जी, ये भाई साहब जो स्पार्टली आइलैंड है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है, तो हमारा भी अधिकार है। तो ये डिस्प्यूट चलता रह जाता है सबके सबके मतलब सबके बीच में। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना बिहार पुलिस बिल। बिहार ने एक बिल पेश किया जी, अभी पास हो गया जी ये 2000, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बिल 2021, ये बिल पास हो गया जी रिसेंटली। अपोजिशन है जी, उसने प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में, विद्रोह किया था बिल के बारे में, लेकिन फिर भी पास हो गया। ये बिल क्या करता है? जो सिक्योरिटी बूस्ट करेगा जी, सुरक्षा बढ़ाएगा बिहार में सर्टेन स्पेसिफाइड एरियाज में, कुछ एरिया में ये सिक्योरिटी बढ़ाएगा। ये बिल है जो, क्या टारगेट है जी इसका? टारगेट ये है, जो बिहार मिलिट्री पुलिस है जी, इसको क्या है, वेल ट्रेंड करेगा जी, ट्रेनिंग और अच्छी, फुली इक्विप्ड होगा, आर्म पुलिस फोर्सेस होगी ये बिहार की, एक्सपर्टीज़ होंगे जी इसमें, मल्टी डोमेन एक्सपर्टीज़ होंगे जो कि डेवलपमेंट नीड के अकॉर्डिंग होंगे और स्टेट के इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। इसकी की प्रोविज़न क्या है? जो अभी बिहार की पुलिस है जी, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसका नाम चेंज करके रख देंगे बिहार स्पेशल आर्म पुलिस। ये ऐसे ही फोर्स होगी जी, जैसे सेंट्रल लेवल पे CISF है ना, CISF देखी होगी आपने कभी, मेट्रो वगैरह में गए हो या किसी गवर्नमेंट कंपनी पे, वहाँ पे तैनात होती है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसी के तरह ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी इसे, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस को, इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये बिहार में जितने भी असेट है, मान लो गवर्नमेंट असेट है, इंडस्ट्रीज है जी, बिहार की गवर्नमेंट कंपनी है या कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज हैं, उन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इसकी फोर्सेज, मतलब इसके जो पर्सोनल होंगे, सोल्जर होंगे। तो ये मैंडेट क्या है जी, मैंडेट ऑफ फोर्स का क्या है? ये मेंटेन करेगा पब्लिक ऑर्डर, कॉम्बेटिंग एक्सट्रीमिज्म से निपटेगा जी ये, बेटर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा स्टेट में, तो इसलिए ये लाया गया जी। ये स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स जो बनाई जाएगी जी इस बिल के तहत, इसके पास इतनी पावर होगी कि बिना वारंट के, विदाउट वारंट सर्च एंड अरेस्ट कर सकती है, किसी के घर में जाके, कहीं पे जाके ये सर्च कर सकती है जी, तलाश कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट, गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। वारंट का मतलब है जी, मान लो किसी पर्सन को जब गिरफ्तार करना है तो पुलिस वारंट लेके आती है, कोर्ट वारंट देता है जी, मजिस्ट्रेट से वारंट लेके आती है, मतलब वारंट का मतलब परमिशन लेके आती है। लेकिन कुछ
अपराध क्राइम ऐसे होते हैं जी जिनमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब मजिस्ट्रेट का वारंट नहीं लेना पड़ता, परमिशन नहीं लेनी पड़ती, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अधिकतर केस ऐसे होते हैं वारंट लेना पड़ता है। लेकिन इसके पास जो बिहार की स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स होगी, इसके पास पावर होगी विदाउट एनी वारंट सर्च और अरेस्ट कर सकती है किसी भी पीपल को। दूसरा इसमें पावर दी गई है कि कोर्ट क्या है जी, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स ओनली आफ्टर गवर्नमेंट सेक्शन। जब गवर्नमेंट परमिशन देगी जी तभी किसी अपराध को कोर्ट डिस्कस कर सकती है जी, उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, मतलब कोर्ट उस केस को अपने अंदर ले सकती है जब गवर्नमेंट की परमिशन के बाद केस चला सकती है। तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट को, ये इसमें प्रोविजन रखा गया है। अभी इसकी नीड क्यों पड़ी जी, नीड इसलिए हुई क्योंकि स्टेट जो है डिपेंडेंस है किस पे, सेंट्रल फोर्सेस पे, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होगी जी उस पे डिपेंड है जी, अभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जैसे। लेकिन अगर ये स्टेट की आर्म पुलिस फोर्स होगी इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो बचेंगे, दूसरा लोकल्स के लिए जॉब क्रिएट होगी। मान लो जी फोर्स बनेगी इसमें वैकेंसी भी तो निकलेंगी, तो जॉब प्रोवाइड होगी लोकल्स को जो वहाँ के लोग हैं। लेकिन इसके साथ इशू और कंसर्न क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है इस बिल को लाने से, देखो जी दूसरा तो ये जो बिल है एब्सोल्यूट पावर देता है पुलिस पर्सनल को सम केसेस में, मतलब जैसे कौन कौन सी एब्सोल्यूट पावर देता है, जैसे सर्च एंड अरेस्ट का पावर देता है ना, विदाउट वारंट, बिना वारंट के आप सर्च कर सकते हो किसी के घर को, आदमी को अरेस्ट कर सकते हो। सेक्शन 15 में लिखा जी इस एक्ट में कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट भी कोई केस नहीं ले सकता आपके स्पेशल आर्म पुलिस ऑफिसर का जब तक कि गवर्नमेंट की परमिशन ना ली जाए, तो ये भी एक इसमें जी इशू है। दूसरा क्या है जी, गवर्नमेंट कहती है कि ये ओनली सर्टेन केसेस में सर्टेन एरियाज में लागू होगा, लेकिन इस बिल में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया कि सर्टेन लोकेशन या सर्टेन एरियाज कौन कौन से होंगे जी। इट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड विच एरिया नॉर हैज़ इट सेड ऑन वट बेसिस वड वुड विद दीज लोकेशन बी नोटिफाइड, ना तो इसमें जी ये लिखा गया कि कौन कौन से ऐसे सर्टेन एरिया होंगे जो जिसमें ये तैनात की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी स्पेशल आर्म फोर्स, ना ये लिखा गया कि किस बेसिस पे आपने वो सर्टेन एरिया डिक्लेयर करोगे, तो ये भी इसमें एक इशू है जी। तो इतना ही था, चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। ये टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है जी, इसमें क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे टूरिज्म को वहाँ पे इंक्रीज किया जा सकते हैं, इसी वजह से उस टूरिज्म जो प्लेस है, जैसे कोई मंदिर कर लिया जी, मस्जिद कर ली, या कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कर लिया जी आइडेंटिफाई, तो उसको डेवलपमेंट करते हैं जी वहाँ पे ताकि टूरिस्ट आए वहाँ पे, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जी, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की, साफ़ स्वस्थ रहे, क्लीन रहे वहाँ पे इन्वायरमेंट, ये वगैरह ये सारी फैसिलिटी देती है टूरिज्म मिनिस्टर की स्कीम है। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिलकर अभी क्या कर रही है, इसने एक इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो आर ऑर्गेनाइजिंग माइस, अभी माइस ऑर्गेनाइज कर रही है मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिलकर। माइस के फुल फॉर्म में जी मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, ये रोड शो हो रहा है जी कहाँ पे, मीट इन इंडिया एट खजुराहो, खजुराहो पे हो रहा है जी, खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और खजुराहो में खजुराहो टेम्पल्स भी हैं जी, ये भी देखेंगे हम। स्कीम क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो आइकॉनिक ये आइडेंटिफाई करते हैं ना जी, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खर्च करती है, और एक होता है जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड उसमें क्या करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पैसा खर्च करती हैं जी, और इम्प्लीमेंट भी लागू भी दोनों ही करती हैं। लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या करते हैं आइकॉनिक डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जी कंट्री में, और उन्हें डेवलप किया जाता है जी ताकि टूरिज्म इन्फ्लेक्स को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इसमें नोडल एजेंसी कौन कौन सी है जी, एक तो टूरिज्म मिनिस्ट्री है जी ये इसको इम्प्लीमेंट करती है, दूसरा इसमें और भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट, जैसे सिविल एविएशन हो गई जी, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। अब ये खजुराहो टेम्पल के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ये आप देखो जी इमेज में देखो, ये है जी खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल किस लिए फेमस है जी, ये मेडिवल टाइम का मॉन्यूमेंट है जी, ये 900 से लेके 1130 के बीच में यहाँ पे टेम्पल बने जी। किसने बनाए, बहुत सारे, एक टेम्पल नहीं है, बहुत सारे टेम्पल है जी यहाँ पे, जो चंदेला रूलर ने बनाया जी, चंदेला रूलर ने। ये जाना जाता है जी इरोटिक स्कल्पचर के लिए, स्कल्पचर का मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं जी जो इरोटिक हैं, उनके लिए जाना जाता है। ये जो खजुराहो टेम्पल्स हैं जी, सबसे पहले रिकॉर्ड इनका मिला जी
किसकी बुक में किताब लिखी जी? अब्बू रिहान अल बरूनी, इसने इसकी किताब है जी 1022 में, तो उसमें इसके उल्लेख हैं जी। दूसरा अरब ट्रेवलर था एक इब्ने बतूता, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, इब्ने बतूता की बुक है जी, उसने भी 1335 में मेंशन किया था खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जी, ये टुगेदर बनाए गए थे और ये दो रिलीजन के लिए डेडिकेटेड हैं, दो धर्म के लिए, हिंदुज्म और जैनिज्म, ये याद रखना खजुराहो टेम्पल के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दो रिलीजन को ये यहाँ पे डेडिकेटेड हैं, और इसका मतलब है जी ये एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्स रिलीजियस व्यूज़ को, मतलब तरह तरह के रिलीजन को ये एक्सेप्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्थोडॉक्स थे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है जी अपना, वाई सेंटर वॉन्ट्स क्रिप्टो करेंसीज होल्डिंग्स मैंडेटरीली डिस्क्लोज इन ROC फाइलिंग। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने, अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो भी कंपनी है जी जो अपनी डीलिंग करती है क्रिप्टो करेंसी में, जितने भी उनके व्यापार होते हैं, डीलिंग होती हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं इसे, वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं ये, डिजिटल करेंसी, तो जितने भी ये डीलिंग करते हैं ना, अपने व्यापार करते हैं, ये सारा रजिस्टर कराए देंगे जी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ ये डिस्क्लोज करेंगी, बताएंगी कितना आप कर रहे हो जी डीलिंग इनसे। इसमें क्या क्या इंक्लूज होगा जी, इसमें मेजर स्टॉप ले गए हैं जो क्रिप्टो असेट्स है ना हमारी इंडिया में, क्रिप्टो असेट्स, क्रिप्टो का मतलब होता है जी हिडन और असेट का मतलब संपत्ति, संपत्ति में कुछ भी आ सकता है जी, बिल्डिंग आ सकती है, पैसा आ सकता है, कैपिटल मनी कुछ भी आ सकता है। तो जितने भी क्रिप्टो असेट है ना इंडिया में, उसको रेगुलेट करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, मतलब ओपननेस, ओपननेस का मतलब पता चले कि कितनी आप डीलिंग करते हो क्रिप्टो करेंसी से। तो गवर्नमेंट क्या है जी, प्लान कर रही है जी टू बैन देम, इन्हें बैन करने के लिए जो भी क्रिप्टो असेट्स वगैरह होती है गवर्नमेंट को बताए बगैर। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है जी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लैक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस पे प्री और मेंस में कई बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ये साइंस एंड टेक में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्रिप्टो करेंसी होती है जी, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, और करेंसी मतलब मुद्रा, जैसे आपकी मनी है रुपया, 10 रुपये का नोट करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी जी डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल का मतलब ये कोई इनका ऐसे मुद्रा नहीं होता, जैसे आपके पास 10 रुपीज़ नोट है, 500 का नोट है या 100 रुपीज़ का नोट है आपके पास, ऐसी कोई करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी मतलब सिर्फ कंप्यूटर में है जी, कंप्यूटर में डिजिटली। ये विच इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, ये इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे यूज करती हैं जी, और करेंसी जनरेट करती हैं, यूनिट ऑफ करेंसी जनरेट करती हैं जी, कंप्यूटर पे जनरेट करती हैं ऑनलाइन, इनके द्वारा बहुत सारा फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है जी, और ऑपरेट करती हैं जी इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो क्रिप्टो करेंसी होती है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती, सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक का मतलब है RBI, हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मान लो जी ये नोट जारी किए हैं जी, 10 रुपये के, 100 रुपये के, 100 रुपये के, 20 रुपीज़ के, तो इन्हें रेगुलेट कौन करता है जी, इन पे ऑपरेटिंग कौन करता है, RBI, RBI इशू करता है इन नोट को, और RBI के कंट्रोल में होता है जी सारा। लेकिन इन पे जो डिजिटल करेंसी होगी, इस पे RBI का कोई कंट्रोल नहीं होता जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिपेंडेंटली करते हैं जी इन्हें, ये क्या जी कंप्यूटर पे जनरेट की जाती हैं और इनमें ही बिजनेस किया जा सकता है। एक क्रिप्टो करेंसी है जी, मान लो डिजिटल करेंसी है, वो कितने भी रुपीज़ के बराबर उसकी वैल्यू हो सकती है, और ये इसके एग्जाम्पल ही जी, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है जी, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जी, डिजिटल करेंसी, या एथेरियम ये भी एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें इतना ही था जी, चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट, अभी न्यूज़ में इसलिए जी, देखो पहली बार जब ये लाया गया, टाइगर रीलोकेशन का मतलब है जी, री का मतलब दोबारा, लोकेट करना, लोकेशन मतलब दोबारा किसी जगह पे, मतलब एक प्लेस से लेके, मान लो एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे, वन प्लेस से लेके सेकंड प्लेस पे लोकेट किया जाए टाइगर को, टाइगर को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे भेजा जाए, उसे टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट था, जो 2008 में इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया। इसमें दो टाइगर को रीलोकेट किया गया, दो टाइगर, एक मेल टाइगर था, मतलब एक मेल टाइगर था जी, नर टाइगर, जिसका नाम था महावीर, ये टाइगर का नाम है जी, टाइगर का, महावीर, ये लिया गया कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है जी, कान्हा टाइगर रिजर्व, हमने कई बार डिटेल से पढ़ा है, ये मत कहना याद नहीं है, कान्हा टाइगर रिजर्व से महावीर टाइगर लिया, और एक फीमेल टाइगर ली जी, मादा टाइगर, जिसका नाम था सुंदरी, ये कहाँ से ली, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से ली है, और इन दोनों को फीमेल और मेल
महावीर और सुंदरी को कहाँ पे भेजा गया? उड़ीसा में, उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में इनको भेजा गया, समझे। अब इनको नीड क्या पड़ी, जरूरत क्या थी? देखो पर्पज था, टू पर्पज थे। एक तो जो ये कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन को रिड्यूस करना था, रिड्यूसिंग टाइगर पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन रहेगी जी यहाँ पे, फिर उनके लिए क्या जी रिसोर्स कम बच जाएंगे, क्योंकि ये तो मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, हंट करते हैं, तो इनके लिए कम हो जाएगा। तो इनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना था ताकि इनके बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो, एरिया को लेकर कोई विवाद ना हो टाइगर के बीच में। और दूसरा टारगेट था जी, क्योंकि उड़ीसा में टाइगर कम थे तो इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, ताकि पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। तो ये दो मेन रीजन थे, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन घटाना, जहाँ पे कम है वहाँ पे बढ़ाना, सिंपल सा है। अब न्यूज़ में क्यों जी, न्यूज़ में इसलिए जो यहाँ पे टाइग्रेस लाई गई थी, फीमेल टाइगर सुंदरी नाम था, सुंदरी को वापस एमपी में भेजा जा रहा है जी, दोबारा एमपी में भेज दिया गया, यहाँ पे बेचारी का मन नहीं लगा, बात तो कुछ और होगी जी, ये तो मजाक की बात है। टाइग्रेस को वापस भेजा गया सुंदरी को। अब यहाँ पे क्यों भेजा गया, इसलिए भेजा गया क्योंकि जो यहाँ पे विलेजर थे ना सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अराउंड, जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया जी, प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए खतरा जी, ये टाइग्रेस घूमती रहती है, हमें कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है, आप यहाँ से ले जाओ इसको। तो विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया, इस वजह से इनको सुंदरी टाइग्रेस को वापस भेज दिया गया एमपी में, कि आप अपने घर पे वापस जाओ। अब ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व है जी, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये उड़ीसा में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, उड़ीसा में पड़ता है ये एक मतलब एक पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है जी। ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 2007 में, तब यहाँ पे जी पॉपुलेशन थी 12 टाइगर थे, 12 टाइगर थे जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन 2018 में यहाँ पे सिर्फ 2 टाइगर रह गए जी, 2 टाइगर बच गए थे, इसलिए यहाँ पे टाइगर इंट्रोड्यूस किए गए थे दोनों, महावीर और सुंदरी, ताकि ये आए और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाएं। तो यही इसका रीलोकेशन का पर्पज यही था कि रीपॉपुलेट करना टाइगर की पॉपुलेशन को रिजर्व में। तो आज के टॉपिक इतने थे जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप बतानी है, जो सबसे दक्षिण में कौन सा उसका एरिया पड़ता है जी। केप ऑफ गुड होप, केप अगुलस, केप हंक्लिप, केप पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर करेक्ट है जी, केप अगुलस, अभी तो पढ़ा हमने। नेक्स्ट है जी तिगरे रीजन, ये बताना जी, तिगरे रीजन है ऑफन सीन इन न्यूज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये तिगरे रीजन कौन से एरिया से बिलोंग करता है जी, ये बताना, इरिट्रिया से, इथोपिया, सूडान या लीबिया? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, टू करेक्ट आंसर है जी, इथोपिया से करता है जी, इसका आंसर टू हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी इंटेंस टू, फिस्कल पॉलिसी होती है जी गवर्नमेंट जिसे इंप्लीमेंट करती है, इसको बताना जी। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट बोल रही है मेंटेन द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में जी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का रोल होता है क्या? नेक्स्ट है कंट्रोल द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, कंट्री में जी प्राइस लेवल को यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज होता है क्या? नेक्स्ट है टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या है जी जो रोजगार वगैरह को बढ़ाना इसका काम है क्या फिस्कल पॉलिसी का, इसके लिए यूज होती है क्या? आपके ऑप्शन 1, 2, 2, 3, 1, 3 या ऑल ऑफ द अबव, सारे करेक्ट हैं जी। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, टारगेट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स बताने जी कौन कौन से हैं इसमें से, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, बताओ जी कौन कौन से। आपके ऑप्शन है 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4 या नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल डी आंसर है, कोई सा भी नहीं है जी इसके मेंबर ये। इसके कौन कौन से मेंबर हैं जी संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसके ये 8 मेंबर हैं जी, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज बॉर्डर चाइना, चाइना से कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है जी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। आपके ऑप्शन हैं जी 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4 या 1, 2, 3। देखो जी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान लैंड लॉक कंट्री हैं ये भी, लेकिन ये बॉर्डर नहीं लगाती चाइना से, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान लगाती हैं, 1 एंड 4 जहाँ पे भी है जी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप इस मैप में देख सकते हो जी,
ये है कजाकिस्तान, ये है चाइना, ये बॉर्डर लगा रहा है ना, इसका बॉर्डर लग रहा है, ये है किर्गिस्तान, इसका बॉर्डर लग रहा है, और एक तजाकिस्तान, इसका बॉर्डर लग रहा है, लेकिन उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये इसका बॉर्डर नहीं लगता जी चाइना से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भाषणचार आइलैंड न्यूज़ में रहता है जी बहुत बार। भाषणचार आइलैंड हमने 2 से 3 बार अपने करंट अफेयर में कवर किया है और बहुत बार न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है वो बाद में बताऊंगा, नहीं तो आंसर बता दोगे आप। वैसे तो आंसर अभी भी बता दोगे। ये बताना कहाँ पे लोकेटेड है। अरबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में, सी ऑफ बंगाल में, सी ऑफ जापान में। देखो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, बे ऑफ बंगाल में जी, बी करेक्ट आंसर है। कई बार देखा है ये लोकेशन देखो जी, ये है बांग्लादेश और ये इधर म्यांमार है जी। यहाँ पे ये भाषणचार है जी, किसका, बांग्लादेश का। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रोहिंगा जो पीपल हैं जी, रोहिंगा पीपल जो म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आ गए थे, तो इनको शिफ्ट किया जा रहा है जी भाषणचार में, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। कई बार हमने पढ़ा था जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कंसीडर द फॉलोइंग। यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दूँ, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली बोल रही है, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेजिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई हिम। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन चलाया जाता है यूनियन टेरिटरी का, वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उसके जरिए चलाते हैं क्या। एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे जी जैसे एलजी हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली में एलजी है। एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ स्टेट लाइक गवर्नर। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जी यूनियन टेरिटरी का, वो एजेंट होता है प्रेजिडेंट का, और इसी तरह से काम करता है जैसे स्टेट में गवर्नर काम करता है। जैसे स्टेट में गवर्नर हेड होता है ना स्टेट का, ऐसे ही हेड होता है यूनियन टेरिटरी का। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। वन करेक्ट है, टू करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों गलत हैं। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जैसे स्टेट में गवर्नर की जो पावर होती है ना, हेड होता है स्टेट का, ऐसे नहीं होता, ये तो बिल्कुल एजेंट होता है प्रेजिडेंट का। पहली बिल्कुल सही है इसमें, दूसरे में, लेकिन दूसरा पार्ट बिल्कुल गलत है। तो ये गलत हो जाएगा जी बिल्कुल दूसरा, और लेकिन पहला सही है जी हमारा। तो पहला सही है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, क्योंकि प्रेजिडेंट इसी के जरिए एडमिनिस्टर करता है जी, देखता, एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करते हैं जी इसी की, यूनियन टेरिटरी की। नेक्स्ट है जी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज ए होली ओन्ड सब्सिडायरी ऑफ RBI। RBI के अंदर ही एक कॉरपोरेशन है जी, कंपनी है ये DICGC। ये बताना इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये बैंक वगैरह को इंश्योरेंस, कौन कौन से बैंक को, जो बैंक में डिपॉजिट होता है ना, जैसे आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे, आपका पैसा जमा है, तो इस जमा होता है ना पैसा डिपॉजिट, उसकी इंश्योरेंस करता है। तो कौन कौन से बैंक को इंश्योरेंस करता है जी ये बताना आपको। लोकल एरिया बैंक को इंश्योरेंस का मतलब बीमा किस किस का करता है, जैसे मान लो कोई नुकसान हो जाए तो ये पैसा देगा बैंक को। लोकल एरिया बैंक को, पेमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इंटर बैंक डिपॉजिट को, रीजनल रूरल बैंक को। आपके ऑप्शन है जी ये, देखो ध्यान से देखोगे ना आप, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये बैंक को करता है जी, बैंक को इंश्योरेंस करता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसे कर सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 3 5, 1 2 3 4 5। देखो हम, मैंने कहा कि बैंक को इंश्योरेंस करता है, और इंटर बैंक डिपॉजिट, ये बैंक थोड़ी ना, इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा हो, तो ये बैंक थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है ना किसी बैंक का है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं जी। तो जहाँ जहाँ पे 4 है काट दो, आपका आंसर आ जाएगी। ए कट गया, ये कट गया, और 1 2 3 5 ये करेक्ट है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, प्रिंटिंग करेंसी इज़ यूजुअली द लास्ट रिसोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द डेफिसिट। मान लो जी गवर्नमेंट को बहुत सारा घाटा हो जाए, घाटे का मतलब है जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए, और रिवेन्यू कम आए जी, कमाई कम हो और खर्चा ज़्यादा करते, तो डेफिसिट होगा। तो इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए प्रिंटिंग करेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा रुपये छापे जाते हैं जी। तो ये रुपये छापना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से क्या क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट प्रिंट करेगी। गवर्नमेंट कौन करती है प्रिंट? RBI करती है। RBI प्रिंट करेगी करेंसी ज़्यादा, तो क्या इससे इफेक्ट हो सकते हैं, प्रभाव पड़ सकते हैं, ये बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूजिंग दिस न्यू मनी बूस्ट इनकम एंड रेजेज प्राइवेट डिमांड इन द इकोनॉमी, दस लीडिंग टू इन्फ्लेशन। इसकी वजह से क्या जी, इनकम बढ़ेगी और प्राइवेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के चांसेज हो सकते हैं। एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी विल कॉज इट्स डिप्रेशन। अगर ज़्यादा सप्लाई होगी जी रुपी की, तो इससे क्या है, हमारा जो रुपया कमज़ोर हो जाएगा जी डॉलर के मुकाबले। डेप्रिसिएशन का मतलब अवमूल्यन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो करेक्ट बतानी है जी, 1 2 1 2 या फिर दोनों गलत। दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ द कैश रिजर्व रेशो इज़ इंक्रीज इट मे लीड। अगर मान लो जी CRR बढ़ा जाए, CRR क्या होता है, मान लो जी बैंक है कोई, SBI है, इसको क्या जी अपना कुछ पोर्शन लगभग 4% इसे कैश में रखना पड़ता है RBI के पास। मान लो ये बैंक फेल हो जाए,
सारा पैसा डूब जाए, तो आरबीआई के पास 4% है, और जितने इसके मान लो कस्टमर होंगे बैंक के, उनको इस 4% से पैसा दिया जाए, इसलिए कैश रखवाया जाता है 4% के लगभग। अभी कितना है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कितने परसेंट है। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है कुछ बैंक को। तो ये बताना है जी, अगर सीआरआर को इंक्रीज किया जाए, मान लो 4% है अभी, इसे 5% कर दिया जाए, तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं ये बताना है। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड विद द बैंक, बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए लोगों को। इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल घाटा है, वो राजस्व घाटा है जी, वो उसमें कमी आएगी। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, 1, 1, 2, 1, 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी, जब ये मान लो 4% थी सीआरआर और ये 5% कर दी, यानी कि 5% एसबीआई को पहले 4% अपनी जितना भी इसके पास मनी थी उसका 4% जमा करना पड़ता था, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ कर दी तो अब 5% जमा करना पड़ेगा। जब 5% जमा करना पड़ेगा एसबीआई के पास, तो कम पैसा बच जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड, कि लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा इसके पास, बिल्कुल सही है। सेकंड बिल्कुल गलत है। ये क्या मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं है जी इमीडिएट, बिल्कुल गलत है। थर्ड भी बिल्कुल गलत है, राजस्व घाटा फिस्कल डेफिसिट कैसे घट जाए, कोई लिंक ही नहीं है। तो 1 करेक्ट है जी ए। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, हम 2 क्वेश्चन और करेंगे जी इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होता है जी, सीडीआर, ये होता है जी करेंसी बटे में, मतलब करेंसी डिवाइडेड बाई डिपॉजिट। जितनी करेंसी, जितनी मनी आपके पास है और जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, इसका रेशो जी है, रेशो अनुपात, रेशो मतलब अनुपात, रेशो करेंसी अपॉन डिपॉजिट मतलब कितना पैसा है आपके पास, कितनी मनी है, अगर उसे डिवाइड कर दें डिपॉजिट से, बैंक के पास जितना है। तो ये बताना है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना। सी डी आर इज कैलकुलेटेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट, ये सिर्फ डिपॉजिट के टर्म में ही कैलकुलेट की जाती है ओनली। इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी जो पीपल की परफॉर्मेंस होती है जी, लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए जो पीपल्स की प्रेफरेंस होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है क्या। जनरली इट जनरली इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, मान लो जी जब त्यौहार वगैरह आ जाए, जैसे होली आ रही है अभी, तो ये जो सी डी आर है वो इंक्रीज हो जाता है क्या। आपको करेक्ट बताना जी, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और या फिर 1, 2, 3। देखो जी, 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, मैंने अभी तो बताया करेंसी अपॉन डिपॉजिट, और इसमें लिखा है सिर्फ डिपॉजिट पे ही ये कैलकुलेट किया जाता है, नहीं करेंसी कितनी है मतलब मनी कितनी है लोगों के पास उस पे भी कैलकुलेट किया जाता है, दोनों पे। तो पहला गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे 1 है काट दो, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही है जी, मनी सप्लाई कितनी, देखते हैं लोगों के पास पैसा कितना है, पता लगाया जा सकता है। दूसरा, जब फेस्टिव सीजन आता है ये इंक्रीज कैसे होता है, देखो जी इंक्रीज कब होगा, जब करेंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, सी डी आर का मतलब करेंसी डिपॉजिट रेशो का मतलब करेंसी अपॉन डिपॉजिट, मतलब लोगों के पास जितना पैसा है और डिपॉजिट बैंक में जितना किया हुआ है। अगर मान लो लोगों के पास पैसा इंक्रीज हो जाए, पैसा कब इंक्रीज होगा, मतलब मान लो फेस्टिव सीजन आ जाए जी, त्यौहार, आप बैंक से पैसा निकालोगे ना त्यौहार मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पैसा निकालोगे, तो आपके पास करेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जब मान लो जी ये मान लो 2 है और ये यहाँ पे कम हो गई, ये इंक्रीज हो गई, तो ये भी इंक्रीज होगा ना सी डी आर, समझ रहे हो। तो फेस्टिव सीजन पे इंक्रीज हो जाता है, ये सही लिखा है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, लास्ट है जी आज का, बस इसे और झेल लो आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एम एस एफ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट कह रही है, एम एस एफ फंक्शन एज द लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स ओवर एंड अबव द अवेलेबल फंड अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। देखो जी, एल ए एफ होता है जी, जिसके जरिए क्या है, जैसे रेपो रेट होता है, उस पर गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है आरबीआई से, लेकिन इसके बाद भी ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बाद भी एक और ऑप्शन है बैंक के पास, वो है एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके जरिए शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए बैंक ले सकती है लोन आरबीआई से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये बोल रही है स्टेटमेंट। सेकंड बोल रही है, एमएसएफ इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट ए मच चीपर रेट देन रेपो रेट। ये एमएसएफ वो रेट है जी, जिसपे आरबीआई से बैंक बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है, और चीपर रेट पे, मतलब जो रेपो रेट होती है उससे कम रेट पे उधार ले सकती है क्या। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों गलत या दोनों सही। देखो जी, पहला तो बिल्कुल सही है, एमएसएफ वही है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, जैसे मान लो जी रेपो रेट, उससे बाद मान लो रेपो रेट पे आपने लिया जी, रेपो रेट चल रही है 7%, मान लो आप 7% के बाद अगर आपको लेना है तो एमएसएफ पे आप ले सकते हो, लेकिन एमएसएफ रेपो रेट से ज़्यादा होता है, और इसमें लिखा है कम दूसरे स्टेटमेंट में। तो
ये लास्ट रिसोर्ट होता है जी, आर रेपो रेट के बाद या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बाद भी कोई भी बैंक आरबीआई से उधार ले सकता है, आरबीआई से, समझ गए। तो ये लास्ट रिसोर्ट है, बिल्कुल सही है फर्स्ट, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि ये चीपर रेट नहीं होता जी, बल्कि रेपो रेट से ज़्यादा होती है, 1%, लगभग 1% ज़्यादा ही होती है। तो फर्स्ट सही है जी, ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त है जी।